नंबर है 14005, जिससे आज अपना सफर है, जिसका नाम है लक्ष्मी एक्सप्रेस, जो 14005 आनंद विहार लक्ष्मी एक्सप्रेस भैया। तो भाई फिलहाल अपना ये सफ़र स्टार्ट हो रहा प्रयागराज जंक्शन के पास से। तो हेलो भाई, सबका स्वागत हमारे एक और नई जर्नी पे। तो ये फिलहाल अभी स्टार्ट होने जा रहा आज का सफ़र, जो कि भैया इलाहाबाद से लेके कानपुर तक का रहेगा, 195 किलोमीटर, और जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो लक्ष्मी एक्सप्रेस है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। तो चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। तो भाई ट्रेन नंबर है 14005, जिससे आज अपना सफ़र है, जिसका नाम है लक्ष्मी एक्सप्रेस, जो यहाँ से लेके हम लोगों को कानपुर तक का सफ़र होने वाला है प्रयागराज से। उसमें करीबन 2 जनरल डिब्बे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भैया इस ट्रेन की क्या हालत रहती है, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। 2 जनरल डिब्बे, एक बैक साइड में पड़ेगा, एक इंजन के पास पड़ता है, ठीक है। तो भाई इस ट्रेन का आने का जो टाइम है वो 6 बजे का है, और जाने का टाइम है 6:10 का। तो भाई फिलहाल ये थोड़ी लेट हो गई है, अभी 6 से ज़्यादा हो रहा, लेकिन अभी आई नहीं है। और प्लेटफॉर्म नंबर 6, ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 6, देख रहे हो आप लोग, फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ गया। ये है अपना प्रयागराज का प्लेटफॉर्म नंबर 6, देखो सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है। और फिलहाल अभी 6 बजे का टाइम है, अभी बज रहा है 5:40, तो आने वाली है थोड़ा देर है, 2 मिनट का टाइम दिखा रहा आने का फिलहाल है, और मेरे को लगता है एकदम परफेक्ट टाइम पे आएगी। और फिलहाल यहाँ से जितने टाइम आती है ये बताता हूँ आप लोग को, और कितने टाइम निकलती है ये बताते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉपेज है भैया, अभी हम लोग उस तरफ से आए, वो जो है सामने देख रहा हूँ वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आए, वहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ गए। और फिलहाल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे गया चार्जिंग पॉइंट, मैं सोच रहा हूँ चार्ज कर लूँ मोबाइल को, देखो खाली वाली भी पड़ा, ठीक है। तो फिलहाल मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में ट्रेन के साथ, ठीक है। तो भाई अपनी बैक साइड में आ गई है लक्ष्मी एक्सप्रेस, फिलहाल अभी इसी से निकलना है उनको। तो ये भाई आ गई अपनी लक्ष्मी एक्सप्रेस, और ये है एक आगे जनरल डिब्बा, फिलहाल ये है भैया एक आगे है और एक बैक साइड में फिलहाल। तो चलो फिलहाल बहुत निकल गया आगे, बहुत पीछे खड़े भाई, अच्छा खच भरी हुई है। फिलहाल आज हम इसी से अपना सफ़र है 14005 आनंद विहार लक्ष्मी एक्सप्रेस भैया, दिल्ली तक जा रही, सीतामढ़ी चलती है भैया। ये है अपना जनरल डिब्बा, फिलहाल इसी से आज हमारा सफ़र होने आ रहा है कानपुर टू, सॉरी इलाहाबाद टू कानपुर। पानी बोतल, पानी 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 मेरे पास तो है, ठंडा वाला दीजिए, ठंडा है अभी, कितने 15 का ना, 20 रुपये 15 वाला 20 में बेच रहा है भाई, देख रहा हो यार 15 की बोतल 20 रुपये में बेच रहा है, बताया कितना ठगी। ये देखो लोकल रेल नीर होते हुए लोकल नीर पानी भर चुक रहा है। ये इसके 6 बजे का आने का टाइम था, 6:04 पे आ गए, ठीक है 4 मिनट है, लेट तो आएगी भाई। अब फिलहाल स्थिति अगर दिखा देते जनरल डिब्बे के भाई, ये स्थिति दिखाते हैं तो भैया कुछ इस प्रकार की स्थिति है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे सवेरे सवेरे जो दिखाई दी थी ना उस पर वैसे भीड़ नहीं है, ठीक ही है, खाली है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे भी, ये खाली वाली है। तो भैया ज़्यादा भीड़ तो नहीं है वैसे, अभी चलेगी तो उसके बाद नहीं कह सकते, क्योंकि भैया अभी काफ़ी पब्लिक बाहर भी खड़े हैं ना। तो भाई फिलहाल अभी निकल चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास से, और हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। अपन बज रहा 6:11, जो जिस टाइम छुट्टी है यहाँ से निकली हुई है, अब यहाँ से करीबन 2 घंटे का, मतलब 6 बजे का, तो मेरे को लगता है करीबन 8 बजे के करीबन इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। 195 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, और मैंने लिया एक्सप्रेस, यानी इसका जो टिकट का जो प्राइस है 75 रुपये, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस है। और सुपर फास्ट से अगर आप लोग ये जाते हो, वो भी जनरल डिब्बे की रेट बता रहे हैं, तो उसमें आपका 90 रुपये पड़ेगा 195 किलोमीटर का, ठीक है। इस वाली जिस ट्रेन में अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ, इस ट्रेन में करीबन 2 जनरल डिब्बे पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो भाई इसमें अभी टाइम दिखा रहा 8:55 का पहुँचने का टाइम दिखा रहा है, देखते भैया कितने बजे तक पहुँचाते हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा कम से 30-40 किलोमीटर आगे निकल ही गए। तो ये देखो भाई व्यू का नज़ारा लो बस, ये है अपना इलाहाबाद का भैया पूरा व्यू। तो भाई अब स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त हो गई भाई, स्पीड देखो भाई, स्पीड देखो भाई, क्या स्पीड से चल रहा है भाई, मस्त देख रहा। देखो भाई स्पीड देखो भाई, पूरा सुपर फास्ट है भाई, ज़बरदस्त स्पीड भाई, अभी तो स्पीड बड़ी तगड़ी है कागज से इस सब। तो भाई अभी स्पीड तो काफ़ी मस्त चल रही है, और भैया पानी की बोतल भी आ गया बिकने के लिए, भैया जी पानी यानी बोतल लाए हैं, अभी इसकी 15 वाली या जल रेल नीर होती है ना, जो कि 15 मिलता है, वो साला ट्रेन के अंदर बहुत ही कम देखते हैं यार, बिकता है 20 वाला ज़्यादा बेचते रहते हैं लोग हैं।
अभी स्टेशन से जब मैं चढ़ा था तो वहाँ पे मिल रहा था, अभी सेंट्रल पे उतरूंगा ना तो वहाँ पे 15 मिलेगा, इन लोगों को मिलता ही नहीं है, क्या ही करें। तो भाई फिलहाल अभी चलते चलते बज गए, कितने बज रहे भाई, टाइम कितना हो रहा है? 7:15 हो गया भाई, 6:38 के आसपास, मतलब 6:10 के आसपास निकली थी वहाँ से, और कभी 7:15 हो गया। वही भैया 8:09 पे निकलना है, बाहर का व्यू दिखा देते एक बार। तो भैया रात का वक्त समय हो गया, अभी ये कैमरा है तो कैमरे में थोड़ा हल्का हल्का सा दिन समझ में आ रहा होगा, लेकिन भाई पूरा इवनिंग टाइम हो गया भाई, अंधेरा अंधेरा हो रहा भाई। भाई फिलहाल अभी आगे करवर रेलवे में, करवर स्टेशन के पास आगे फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ इसके बाद अब सीधे, मतलब कुछ स्टेशनों के बाद सीधे आएगा फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद सीधे आएगा अपना क्या कानपुर, और ये जो ट्रेन है सीधे जाएगी आनंद विहार टर्मिनल, या जो कि आप मालूम है आप लोगों को दिल्ली तक है, और जो कि कल सुबह पहुंचेगी, वही करीबन 4 बजे पहुंचने का टाइम है ना, तो 4 बजे पहुंचने का टाइम है, 4 का 5 भी बच सकता है भैया, आप लोग को तो मालूम ही है, 1-2 घंटे लेट भी हो जाती है, ठीक है। तो चलो ना अपना देखते कि भैया सही टाइम पर पहुँचाती कि नहीं। वैसे तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट टाइम पर आती है, क्योंकि 6 बजे का टाइम था मैंने जब चेक किया था, और 6:10 पर आई थी, आ गई थी मतलब स्टेशन पर या प्रयागराज पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट है, वहाँ थोड़ा लेट हो गई थी, 6:10 के आसपास, मतलब पहले ही आ गए थे, 10 बता रहा है, 6:07 या 8 ऐसे हो रहा था, मतलब वही 10 के आसपास मान लो, ठीक है। और करीबन 10 का स्टॉपेज था, वही 10 का स्टॉपेज अपने कानपुर में भी है। तो चलिए बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, और भैया हाँ आज का ब्लॉग भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बीच में भी थोड़ा बोल दे रहे, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट्स कर दिया करो कि आप लोग को किस कौन सी ट्रेन का रिव्यू चाहिए, ठीक है। फाइनली हम लोग आ गए फतेहपुर रेलवे स्टेशन पे, फाइनली आ गए अपने फतेहपुर रेलवे स्टेशन पे, और भाई लोग चढ़ भी लिए, रुकने से पहले चढ़ लिए यार, या 7:40 पे अपनी आ गई है लिच्छवी एक्सप्रेस भैया, फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पास। बस यहाँ से करीबन रह गया वही 100 रह गया होगा, 100 किलोमीटर करीबन रह जाता, क्योंकि 195 किलोमीटर है, तो 100 या 90 किलोमीटर तो दूरी रह गई भैया। भैया लोग, ये भैया तो सीधे संगम वंगम नहा धो के आ रहे हैं, वो भी भैया, हम तो भैया सीधे गए थे वहाँ पे ट्रेन ब्लॉक करने। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पिछले वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया करें ना तो कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बता दिया करो भैया अगला आप लोगों को ट्रैवल कौन सा देखना हो। भैया देखो लोकल ट्रेन है भैया, रेल नीर दिखनी चाहिए ट्रेन के अंदर 15 वाली, फिर भी ये लोग 20-20 रुपये वाली बोतलें बेचते हैं यार, बताओ ये लोग 20-20 रुपीज में बिक रही है, जो रेल नीर तो बिक नहीं रहा। चलो चल। तो भाई फिलहाल अभी निकल रहे हैं ये फतेहपुर रेलवे स्टेशन से, ये देखो भैया दिखाई दे रहा है धुंधला धुंधला कुछ बोर्ड आ गया बीच में, ये देखिए फतेहपुर रेलवे स्टेशन। तो भाई फिलहाल अभी चलते चलते फतेहपुर से निकल गए, अभी यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी और रह गई भाई। और ये देखो भाई अपने साथ चले थे भाई साहब, सो गए, अब पता नहीं कहाँ से चले थे, ये भैया से पूछा था, ये जो भैया दिखाई दे रहे खड़े हुए इनसे पूछा था कहाँ चले, भैया खुद ही नहीं मालूम, आप तो सीतामढ़ी चले थे ना, ये भाई सीतामढ़ी चले, मतलब शुरू से चले थे, दिल्ली तक जा रहा भाई, कितना लंबा सफ़र, कल पहुँचोगे हैं, खड़े खड़े पूरी रात, तो जाना बढ़िया था भैया थोड़ी जगह वगैरह दे देना। तो भैया इनका तो सफ़र बहुत लंबा है, अपना तो आ गया। और ये भाई ये अपने कानपुर का बंदा, ये देखो ये भी जा रहा है, पता नहीं कहाँ भटक रहा अकेले अकेले, तुम कहाँ संगम गम गम ना के आ रहा हो क्या, दोस्त के यहाँ गए थे। अच्छा दोस्त के यहाँ गए थे, तो भाई दोस्त के यहाँ गया था संगम में, अच्छा वहीं से आ रहा सीतामढ़ी तरफ है। चलो भैया ये भी गए थे दोस्त, आप चलो। तो फिलहाल देखो सब लोग थकान हो गए, तो भैया सब सोने वोने में लगे हुए हैं, जो जगह पे वो भैया भी थोड़े थके थके से लग रहे हैं, वो भाई और दो भाई इधर बैठे हुए। तो चलो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचते हैं सीधे, और भैया रात का विजुअल हो गया ना तो बाहर कुछ दिखा भी नहीं सकते भाई, बाहर दिखाएंगे तो काला काला दिखाई देगा, अंधेरा अंधेरा दिखा देगा, तो का ही दिखाएंगे, फिर भी दिखा देते, देखो कितना करिया करिया नज़र आ रहा है, सोचो अगर साला हमारे पास लाइट ना होती तो वो अंधेरे में काले काले दिखाई देते। तो भाई फाइनली अभी आ गए कानपुर रेलवे स्टेशन के पास आउटर पे खड़े, और ये भाई ये कहाँ जा रहा भाई, दिल्ली जा रहा, अच्छा दिल्ली, घर आ रहा है क्या, नहीं कमाने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई पेट के लिए। ये पेट के लिए जा रहा है। तो भाई पेट के लिए जा रहा, बड़ा हंसमुख लड़का है, हंसते मुस्कते मुस्कुराते हुए जा रहा है। भैया देखो आउटर पर उधर से मैं उंगली दिखा रहा हूँ भैया, इसके आगे से इस तरफ भैया वहाँ पे पड़ती क्रॉसिंग वॉसिंग, और भैया ये अपने पास में सबसे वो एक चीज़ लगती है यार, बाई चांस अगर यहाँ पे भाई ट्रेन पलटेगी ना तो भाई इन लोग को बहुत खतरा है, ये जो सामने आप लोग को दिखाई दे रहा है
भाई बहुत खतरा, क्योंकि वैसे भी आप लोग को देख रहे हो आए दिन तो ट्रेन हादसे हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा था भैया, खड़ी ट्रेन को पीछे से रेलगाड़ी ने, मतलब मालगाड़ी ने पेल दिया था। रेलगाड़ी ने तो पेला नहीं था भाई, मालगाड़ी ने पेल दिया था। अब भाई दो लोग शहीद हो गए थे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना थी, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन भाई चल रहा है काम, कह तो रहा भैया लगाएंगे, चलो देखते कब तक पूरा काम होता है। फिलहाल तो चलो मिलते थोड़ी देर में, क्योंकि भाई बैटरी कम है ना, तो ज़्यादा देर तक तो शूट नहीं कर सकते। ये भी दिल्ली जा रहा है, ये सब लोग दिल्ली दिल्ली वाले, ये भी भाई दिल्ली दिल्ली वाला है, पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट का हाल लगता है यूपी वाले। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से स्टेशन पे। अभी आ गया अपना कानपुर रेलवे स्टेशन, और भैया फिलहाल उतर लेते हैं। तो भाई फिलहाल अभी आ गए सीधे कानपुर रेलवे सेंट्रल, भैया ये देखो बैक साइड में फिलहाल। और तो भाई ये था अपना इलाहाबाद से लेके कानपुर तक का सफर, जो कि 195 किलोमीटर था, और भैया दो जनरल डिब्बे थे, जिसमें ठीक ठाक सफ़र रहा। और ज़्यादा व्यू इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि भैया हो गया था शाम का टाइम और मोबाइल की बैटरी भी लो थी। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बगल में दिए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।